अब बात ये कि मुख्तलिफ तरीकों से उलमाए किराम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जैसे मैं आपको भी, आप पे भी मेरा इल्जाम है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं? जी गुमराह करता हूं ना तो कहां लेके जाता हूं? अहले बैत अलैहिम सलाम के इत्तबा की बात, या अहले बैत लोग अगर देखें, अगर लोग सहाबा को छोड़कर वो तो अहले बैत अलग अलैहिम सलाम बात की है ना इत्तबा करें, अल्लामा ये साहब। गुमराही है या नहीं हिदायत अल्लामा है? साहब, वो तो एक ठीक बात है, मगर कुछ बस खत्म, ऐसे बातें हैं कि आपके गलत है। बस बहुत खत्म। सारे ऐसे बातें हैं अहले बैत की तरफ, तो हर आलिम, अगर आप किसी भी आलिम से पूछ ले तो वो हमें अहले बैत के इत्तबा का ही बताएगा। नहीं बताता, नहीं नहीं कोई नहीं करता, इत्तेबा का नहीं बोलता। वो कहते हैं मोहब्बत करो, इत्तेबा का नहीं बोलते, हाँ मोहब्बत करो। मेरा कहते तो, मैं तो खुद इत्तबा अच्छे करता नो, हूँ। अच्छे लोग, अच्छे थे, नेक थे, प्यार करते हैं, बस इत्तेबा का नहीं बोलते। अच्छा अब बात सुनो ना अल्लामा साहब, जी बोले। ये फिरके मुख्तलिफ, अब आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी वो मुख्तार सकती के बारे में भी, आपका जो राय है ना उसका मेरी भी राय नहीं मेरा है, आपसे खिलाफ है उस पे, मेरी राय नहीं है, होशिया बहुत होशिया सारे हदीस है। इख्तलाफात उस पे भी है, मतलब तो इख्तलाफात तो होते हैं ना। अब हम आपस में बैठ के इस पे बात करेंगे, उसके लिए मुझे टाइम दे दो अलग से। जैसे कि आप दूसरे को, वो तारिक साहब जो है ना, तुम साक्षात टीवी वाला, वो हमारे दरमियान अच्छा साइलेंस बनेगा इंशाल्लाह। चले, आप अपने आलिम को लेकर ना। अल्लामा साहब, मैंने तो बताया ना कि अब वो दौर नहीं है कि कोई आलिम के पीछे हर चीज मोबाइल पे है, किताब खुद ब खुद चले अभी तारक पढ़ साहब जो ना, वो तारक सकते साहब हैं। तक गए हैं, अभी आप बोले ना, जो बोलना है बोले। आप तारक साहब को मैं कहीं जबरदस्ती तो नहीं ला सकता ना। नहीं ये तो आपका काम है ना, वो उसको लाना तो आपका काम है। चले भाई, आप ऑपरेटर से बात करें, मेरा ना उसका जी उनका नंबर जैसे मेरे मेरे पास नहीं है। आप पे हाँ इल्जाम है, मेरे आप पे इल्जाम चल, है, इल्जाम तो लगाओ ना, इल्जाम लगाओ ना आप पहले। तो उसके लिए मुझे टाइम दोगे, टाइम उसके दिया है ना, लिए बात ऐसा अब अर्ज होगा। कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना आप, क्या इल्जाम क्या है? तारिक साहब अभी तो नहीं है, जबरदस्ती तो नहीं ला सकते ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जैसे उलमाए किराम की वजह से ये लोग गुमराह हो रहे हैं। सोच में है कि हम किस तरफ जाए, जाएं भी तो किस तरफ जाएं। चलें आप ठीक अलग है, से तो इसमें एक मेरा क्या फिरका कसूर बने है? इसमें मेरा क्या कसूर बैठो, है? ये कोई इल्जाम है भाई? अगर लोगों को समझ नहीं आ रही तो इसमें ऐसे मेरा क्या कसूर? बहुत मैं तो से अपनी तरफ से कोशिश करता हूं ना, अल्लामा साहब, ऐसे मैं बहुत कोई से नबी जैसे थोड़ी कि हूं कि आप मैं मौजजा मैंने, करके दिखाऊं ना, शक्ल कमर कर दूं, ताकि ताकि भाई लोगों को मौजजे दिखा के दिखा। मैं तो वही है जो किताब में लिखा दिखा सकता हूँ। अल्लामा साहब आप दिलाजारी वाला काम तो करते हैं ना, लोगों क्या की दिलाजारी दिलाजारी किया, वाला क्या काम तो किया मैंने? करते हैं ना। देखो इस्लाम में है कि अगर आपके हमसाए में कोई इंसान रहता हो तो उसको भी बुरा 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 भला नहीं कहना चाहिए। तो मैंने कौन सा बुरा भला कहा तो है? आप सहाबे किराम के बारे में जो बुरा भला कहते हो, क्या तो कहते हैं मेरे मसल? तरफ से तो मैं एक बात वो जो बता आपकी दूं किताब में लिखा है ना, उसी को छुपा दूं? अल्लामा साहब, मैंने तो, मेरे कौन सी किताब, मेरा तो कुरान पाक किताब है, और भाई जो अहले मेरी सुन्नत कौन की सी किताबों किताब। में जो बातें हैं मैं दिखाता हूँ, वो बंद कर दूँ ये सिलसिला। मैंने आपको अहले सुन्नत के बारे में बताया कि मैं अहले सुन्नत हूं या बरेली हूं, या मैंने और भाई बताया मैं कभी, आपको, ओके भाई साहब, मैंने मुझे तो समझ आपको नहीं आ कहा रही। कि मैं मुसलमान हूं, ठीक है भाई, ठीक है, सही फरमा रहे हैं मैं इंसान हूं और आप। मुसलमान करनी हूं। क्या ना कि मुझे मौका नहीं दिया भाई, हमने आपको मौका दे दिया भाई बात करने का, ठीक है ना? इससे ज्यादा मैं नहीं आता भाई, हमें यही किताबें आती हैं, हम दिखा देते हैं भाई। अगर कहते हैं ये बंद करो, हमें दिल आजारी होती है, तो कह दो ये ना दिखाओ, छुपा दो, ये बातों को छुपा दो। ऑपरेटर को नहीं बोलना चाहिए, ऑपरेटर को का काम ऑपरेटर, है ऑपरेटिंग ऑपरेटर पठान है, करना। अल्लामा साहब ऑपरेटर है पठान, हम दोनों ठीक बात है कर ना? रहे हैं ना, वो भाई मैंने उसने, तो आपसे लड़ना चाहता हूँ उसको अल्लामा आप साहब, नसवार भेज दें, पिशावरी असली मैं नसवार। आपका बहुत इज्जत करता हूँ, वो जब आपको से पता है न्यूयॉर्क ना में आया मैं ना, आपका उसको क्यों। उसको कभी कभार नसवार नहीं मिलता ऑपरेटर साहब को न्यूयॉर्क में, तो ये उनकी अच्छा मुश्किल है। अच्छा आपको ये तो आधा किलो
एक पाव नस्वार भेज दें वहां से, आपको दोस्त बन जाए। अल्लामा साहब, और ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता क्योंकि दूसरे भी इंतजार में है, तो मेरा वो काम कब होगा, मेरे को अलग का टाइम। तो ठीक है भाई, आप तारक साहब से बात करें, देखें उसके पास टाइम है या नहीं है, ठीक है ना। आप अपने शहर के किसी आलिम को लेकर आओ ना, मौलवी को। नहीं है मेरे पास उसका नंबर, मेरे पास नहीं है। हाँ वो मेरे पास भी नहीं, वो ऑपरेटर से आप बात करें, ठीक है ना। आप मेहरबानी करें ना, अपने अपने शहर के आलिम को लेकर ना, ताकि सबको मजा भी आ जाए ना। ऑपरेटर को बताओ कि नस्वार अपने पास रखा करे। वो नहीं मिलता तो क्या, कहाँ से रखे ओ भाई, जब नहीं मिलता तो कहाँ से। अल्लामा साहब एक बात और, एक बात और बहुत अजीब बात है। अल्लामा साहब जी, वो जो मौलवी साहब आया था ना, कौन मौलवी, पठान, वो बहुत टक्कर का आदमी था, मगर वो कहे कि उसका उर्दू उसका कमजोर था। उस दिन पे आपने उसके साथ बहुत ज्यादती की, आपने टाइम नहीं दिया। वो कारी सईद जो था ना, अरे सही पागल है भाई, उसके साथ बात करना ही फजूल है। उससे सवाल करो ना, वो सवाल उसको समझ नहीं आती, वो कुछ और कह देता है। वो अल्लामा साहब उसका उर्दू कमजोर है तो नहीं, उर्दू उसका अकल भी कमजोर है, सिर्फ उर्दू कमजोर है, अकल भी कमजोर है। अल्लामा साहब दूसरी बात ये है कि वो बिलाल साहब जो था ना, बिलाल, वो भी बहुत टक्कर का आदमी हो, माशाल्लाह बहुत काबिल। आप उसको लेकर ना उसके साथ बैठे दोनों जुर्मट में, पठान को लेकर, कारी सईद, कारी सईद को लेके आए ना, साथ बिठाए। हाँ बात नहीं करना है, अल्लामा साहब तंज नहीं है, साथ बैठने में क्या तंज है। और तारक साहब जो है ना, वो हर एक बात के लिए मॉडरेट नहीं करते, वो कहते हैं वो साथ वाला आदमी आलिम होना चाहिए। आप जैसे आलिम के साथ कभी भी तंज अच्छा नहीं लगता। नहीं तंज नहीं है, और मैं आपको बता रहा हूँ, आप डिमांड कर रहे हैं ना कि तारक साहब, तारक आपके साथ टाइम कीपर बने, वो कहते हैं कि आलिम अगर है तो मैं टाइम कीपर रहूंगा ना, अगर आलिम नहीं है तो मैं क्या टाइम कीपर करूं, वो खुद ये कहते हैं। चलो ठीक है, अगर तारक सईद को साथ लेके आए ना, ताकि वो टाइम कीपिंग हो जाए। हाँ बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू सर।